नमस्कार, आप देख रहे हैं HS न्यूज और मैं तरुण। इस समय हम मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। यह गांधी की धरती है। क्या गांधी की धरती होने के बाद राहुल गांधी के पक्ष में यहाँ के छात्र किस तरह सोचते हैं, या यहाँ के भी छात्र मोदी मोड में है क्योंकि बनारस का यह क्षेत्र है। आइए जानते हैं यहाँ के छात्रों से उनकी राय में मोदी बेहतर हैं या राहुल गांधी की जो नई वाली स्कीम आई है वह बेहतर। किस तरह देखते हैं मोदी बनाम राहुल का यह चुनाव जो होने जा रहा है 2019 का? काशी के लोग हमेशा से लाभ देखकर वोट नहीं दिए हैं। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो यहाँ मूल्यांकन साफ तौर पर हो जाता है, क्योंकि काशी आदिकाल से विद्वत परिषद का एक अखाड़ा रहा है, जहाँ पे जब कहीं विद्या नहीं होती थी तब काशी एक प्लेटफॉर्म था, एक जगह था जब पूरे विश्व को एक उजाला दिखाने का काम करता था या विद्या देने का काम करता था। आज भी जो काशी का विद्वत परिषद है वो जो भी निर्णय देता है पूरे विश्व में सर्वमान्य होता है। काशी के विद्वत जो परिषद है उसका निर्णय क्या होगा, मोदी के पक्ष में जाएगा या राहुल गांधी के पक्ष में जाएगा? जो भी फैसला होगा विकास के नाम पे होगा, अध्यात्म के नाम पे होगा, राष्ट्रवाद के नाम पे होगा। अभी जिस प्रकार से मोदी जी ने 5 साल में जो विकास का एक मॉडल दिया है देश को, तो हमें लगता है कि काशी का भी जो बदलाव हुआ है, जैसे काशी में कई प्रकार की योजनाएँ आई हैं, जो रोड हैं और जो अध्यात्म जो बाबा विश्वनाथ थे उनका कॉरिडोर योजना, इस प्रकार से बाकी हमारे साउथ में जिस प्रकार मंदिरों में स्पेस है, जगह है, उस प्रकार से आप गंगा स्नान करिए और सीधे बाबा मंदिर में प्रवेश करिए। तो जितने काशी के आध्यात्मिक लोग हैं, जो भी काशी के विद्वत जन हैं, इसके फैसला का स्वागत करेंगे, मोदी जी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या मांग है आपकी, मोदी हो या राहुल, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात करता हूँ, मोदी और आप राहुल की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त मोदी को इस देश की जरूरत है। क्यों? 5 साल में जिस तरह से मोदी विकास किए हैं, क्या काम किया युवाओं के लिए? अगर आपको युवाओं के लिए काफ़ी काम किया है, स्किल इंडिया के तहत आप उठा के देख सकते हैं, नए नए एम्स हॉस्पिटल खोले गए हैं। तो एक तरह से जो कहा जाता है कि बेसिक क्या होता है, शिक्षा, रोजगार और हेल्थ, यही होता है ना। शिक्षा के क्षेत्र में भी मोदी ने काम किया है, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया है। और जहाँ तक बात रही रोजगार के क्षेत्र में, तो रोजगार के क्षेत्र में कुछ कमियां हैं जो हमारे प्रधानमंत्री को दूर करना चाहिए। रोजगार के क्षेत्र में कमियां हैं, NSSO का एक डेटा बहुत चिंताजनक है। लग रहा है मोदी सरकार ने 5 साल में रोजगार वाला वादा पूरा किया है? देखिए, अगर कुल आंकड़ों को मिला करके देखेंगे, जो रोजगार की परिभाषा है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन अब ये सरकार की खामियाँ कही है या फिर NSSO का वो दायरा कह लीजिए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देश में बहुत बड़ा रोजगार उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो रोजगार की परिभाषा में ना आ पाया, इस कारण से कहीं ना कहीं रोजगार में कमी हमको दिख रही है। 5 साल में कितनी बदली काशी को अगर आप देखते हैं तो कितना बदला 5 सालों में? इस समय काशी का अगर आप बदलाव देखते हैं, आप यहाँ के रहने वाले भी हैं, तो किस तरह देखते हैं 5 साल में काशी? काफ़ी बदलाव हुआ है काशी में, रोड बहुत सारी और बिजली की भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। पहले कटौती बहुत होती थी, अब बहुत चेंज हुआ है। कटौती 5-10 मिनट के लिए होती है, लेकिन अब कटौती नहीं होती है, ना के बराबर है कटौती। राहुल गांधी के विषय में क्या सोचते हैं? उनकी बहन प्रियंका गांधी महासचिव जो है वो आई थी बोट से अभी होली के एक दिन पहले, वोट यात्रा में बदलेगी या नहीं? ये देखिए, कांग्रेस का यूपी में कोई संगठन नहीं है। ये प्रियंका गांधी विदेश से आकर के एक नई चाल चल रही है, इंदिरा गांधी वाला फॉर्मूला रच रही है, वो जनता के जागरूक है, उनके भाकावे में नहीं आने वाली है। वो विकास के नाम पे देश में जो घटनाएं और उस पर निर्णय क्या लिए जा रहे हैं उस पर वोट देने वाली है। प्रियंका, राहुल, सोनिया, मुलायम, अखिलेश पे वोट नहीं देने वाली है जनता। इस बार जनता जागरूक है, वो देश की हित चाहती है, ना कि किसी परिवार का हित चाहती है। विद्यापीठ का युवा अगर उसको मैनिफेस्टो बनाना हो किसी पार्टी का, तो क्या मांग रखता है, क्या सोचता है कि ये उसकी प्रमुख मांग है? चूँकि एक छात्र होने के नाते हमारी पहली जिम्मेदारी होती है शिक्षा। शिक्षा का स्तर जितना ही सुधरेगा उतना ही हमारा युवा और हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो यह देखने वाली बात होगी कि पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार जो रही शिक्षा नीति तक नहीं ला पाई, परंतु अभी भी आज के युवा को मोदी सरकार से ही उम्मीद है। राहुल गांधी को हम एक ऑप्शन के रूप में कभी देख नहीं सकते, ना ही उनकी बातें उस लायक होती हैं, ना ही उनकी कोई योजना समझ में आती है। तो हम चाहेंगे मोदी सरकार दोबारा तो आए, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में उन्नति करे। इस प्रकार से सरकार शिक्षा और रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है, यह चिंतनीय है। क्या वाकई मोदी सरकार इन 5 सालों में एक बेहतर काम, जो उनकी योजनाएं थी 2014 में जिस फार्मूले या जिस सोच के साथ आए थे, उसको धरातल पर उतार पाए हैं? वो धरातल पर उतारे हैं, लेकिन मतलब उनका जो भी सपना था, जो भी स्किल थी 2022 तक थी, उनको एक बार और मौका दिया जाए और हमारे देश के सारे जितने भी नौ युवक हैं
एक बार और उनको मतलब वोट दें, और जितना भी उम्मीद है हमसे, मतलब बस मोदी जी से उम्मीद है और किसी से हमसे उम्मीद नहीं है। क्या आप भी ये मानते हैं कि राहुल गांधी किसी भी जो उनकी सोच है, जो उनकी योजनाएं, उस घोषणाएं लगातार कर रहे हैं, वो वाकई समाधान की ओर नहीं ले जाती इन समस्याओं का? राहुल गांधी में काबिलियत ही नहीं है। राहुल गांधी को एक तरफ से थोप दिया गया है, राजशाही जो शासन होता है ना, उस दृष्टि से उनको थोप दिया गया। राजनीतिक ज्ञान जीरो है। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि आलू कहाँ होता है, आलू कहाँ पैदा होता है, आलू जमीन में निकलता है कि पेड़ पर पैदा होता है, जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है वो राजनीति क्या करेगा? छात्र क्वेश्चन करते हैं तो उनको छात्रों के क्वेश्चन के जवाब नहीं देने आता है। तो राजनीति करने की, देखिए, जो व्यक्ति जमीनी स्तर पर जुड़ा रहता है राजनीति से या सामाजिक स्तर से, राहुल गांधी ने कभी सामाजिक स्तर देखा ही नहीं, कभी उन्होंने दुख का सामना किया नहीं, किसानों के बीच गए नहीं, ऊपर से आए और टपक गए। तो इस तरह से काशी की जनता है और पूरे देश की जनता नकार देती है, राहुल गांधी की बस की बात नहीं है, मोदी किसानों के लिए आए दिन घोषणाएं कर देते हैं, जब मन करता है तो उनका कर्ज माफ कर देंगे, न्यूनतम आय दे देंगे, 12,000 की एक नई घोषणा उन्होंने कर दी कुछ दिन पहले। देखिए, किसान स्वावलंबी है भारत का, वो कभी भीख से नहीं जिया है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो कभी भीख के भरोसे नहीं रहा है। हमारा तो अन्नदाता वो है जिसने 47 के बाद से हमें आज इस स्थिति में खड़ा कर दिया है कि हम कई अन्य देशों को हम उनको उनको खिलाते हैं और उनको खाने भर का अन्न देते हैं। रही बात राहुल गांधी की, तो ये परिवार इसलिए नकारा है क्योंकि इसने आज तक कभी राजनीति में किसी अन्य को आने नहीं दिया। आप 47 से उठाकर देख लीजिए जो इनका परिवार रहा है, उसके बाद से जब एक अन्य व्यक्ति आने का जो इसको सौभाग्य मिला, जो हमारे इसी काशी विद्यापीठ की धरती का प्रधानमंत्री बना, स्वर्गीय आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिस परिवार ने परिवारवाद के अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं, इतने किसान नेता, जन नेता लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या करा दी, उसके बाद एक कठपुतली नेताओं को प्रधानमंत्री बनाया और उनको चला चला कर देश पर सीधे शासन किया, राज किया। आप दूसरी बात, यही कांग्रेस पार्टी जिसको कभी किसी और ने चलाने की कोशिश की तो इसी इंदिरा सरकार ने कांग्रेस पार्टी को तोड़कर INCI कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आगे आई लग गया यानी इंदिरा। तो ये तो परिवारवाद की सीधा पराकाष्ठा है कि इसने कभी परिवार के अलावा किसी को सोचा नहीं, इसने कभी मौका नहीं दिया। हम बिल्कुल कांग्रेस सरकार को हम मौका देंगे, आइए आप चुनिए, लेकिन आप अपना एक उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, लाइए आप अपना उम्मीदवार, आप कोई फेस दिखाइए जिसपे आप, हम कोई जो प्रोपेगेंडा लाता हो, जिसे NCC का फुल फॉर्म नहीं पता हो, जो NCC नेशनल कैडेट कॉर्प के बारे में नहीं जानता हो, जो इलूल जुलूल की बातें करता हो, 72,000 रुपये आप कहाँ से लाके देंगे? आप वर्ष भर में जो सरकार किसान जो टैक्स देता है उसी पैसे से आप स्कीम बनाते हैं, आप उसी को खिलाने की बात कर रहे हैं? जिस सरकार के पास जहां पहले से ही इतने कर्ज में हम डूबे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि आप उसे 6,000 रुपये, पहली बात की 12,000 रुपये के हिसाब से आप कैसे 72,000 कह रहे हैं वो मुझे नहीं पता। अगर आप 6 महीने भी देते हैं, चलिए मान लेते हैं कि आप 6 ही महीने देंगे, ठीक है, आपने एक स्कीम लॉन्च की थी 100 दिन का रोजगार योजना, बहुत अच्छी थी, लेकिन आप बताइए क्या आपने उससे क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की? जहाँ कुछ नहीं काम होता खड्डे खुदवा देते हैं। तो इस परिवार जिसको केवल अपने परिवार की चिंता है, जिसने हमारे काशी विद्यापीठ के धरती के लाल को, लाल बहादुर शास्त्री जी को मारने का काम किया है, राजस्थान हत्या कराने का काम किया है काशी की धरती, उसे कभी आने वाले अगर 100 वर्षों तक आप परिवारवाद को लेकर चलेंगे, हम आपको कभी नहीं चुनेंगे। जो भी पार्टी परिवारवाद लेकर चलेगी, चाहे वो बुआ हो चाहे बबुआ हो, जिसको बुआ को अपना केवल भांजा दिखता है, राजनीति में उसको अपने अलावा कोई नहीं दिखता, यही लोग जो धुर विरोधी थे, आज आप बात करते सिद्धांत की, सिद्धांत इनमें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक तरह से आपने देखा कि काशी विद्यापीठ के युवाओं की अपनी एक राय है, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा एक फहरिस्त गिना दिया, किस तरह से देखते हैं इन्होंने जो कुछ बताया राहुल गांधी के विषय में, ये आप क्या सोच राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, मानते हैं, लेकिन अभी उनमें वो मैच्योरिटी नहीं है। 50 साल के होने को अभी मैच्योर नहीं है? नहीं, वो उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल अपरिपक्व हैं, वो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैच्योर हुए हैं। लेकिन देश में 3 प्रकार के लोग हैं, पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष। अभी राजनीति इतनी गंदी और घटिया गिरता हुआ स्तर आ रहा है, दोनों पक्ष, जैसे पक्ष और विपक्ष है, राजनीति का स्तर ऊपर ही नहीं उठ रहा है। गिरिराज सिंह बोलते हैं कि जो मोदी जी की रैली में नहीं आएगा वो देशद्रोही है, इस प्रकार की राजनीति हो रही है। तो इसमें एक प्रकार की जनता है जिसको समझ में नहीं आ रहा वोट किसको हम दें, या कांग्रेस को दें, भाजपा को दें, या गठबंधन को दें, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर राजनीति को स्वच्छ करने के लिए ऐसे नेताओं का चुनाव करना चाहिए जो कि स्वच्छ छवि के हों, जिन पे कोई आपराधिक मुकदमा ना हो। आप देखते होंगे कि जेल से भी नेता चुनाव लड़ जाते हैं और जीत जाते हैं। नहीं, अब तो नहीं है कि 6 साल का, अगर आपको 2 साल की ज़्यादा सजा हो जाती है तो आपको चुनाव 6 साल तक नहीं लड़ना होगा। लालू प्रसाद यादव का केस उदाहरण के तौर पर है। ठीक है, तो एक तरह से हमने देखा कि काशी विद्यापीठ के जो छात्र हैं उनकी एक सीरीज है कि चुनाव में भी स्वच्छता हो। मोदी जी स्वच्छता की बात करते हैं पर वही चुनाव में भी अगर स्वच्छता हो तो बेहतर होगा। स्वच्छता का मतलब बेहतर कैंडिडेट हों, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक
इसके लिए भी एक यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं विद्यापीठ के छात्र कि वोट यात्रा से वोट यात्रा नहीं मिलता, वोट नहीं मिलता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। मनरेगा अगर आपका बेहतर काम था तो फिर उसको लेकर भी कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। आने वाला वक्त तय करेगा कि मोदी बनारस में, बनारस मोदी मोड में है या राहुल की वोट में है। आप देख रहे थे HS न्यूज काशी विद्यापीठ से। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।